औद बिल्लाह इब्ने शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को डॉक्टर मोहम्मद हफीज आरई का सलाम। नाजरीन, आज का मेरा मौजू है एगारिकस मिस्कराइस जहरीली खुम्भ फलाई फम्स। ये खुम्भ बहुत से जहरीले मरकबात की हामिल है जिसमें सबसे मारूफ मिस्क्रेन है। इसके सेमी असरात यानी कि इसके जहरीले असरात यकदम तरक्की नहीं करते। ये असरात बिलमूम इब्तदाई हमले के 12 से 14 घंटों के बाद रूनमा होते हैं। इसका एंटीडोट कुछ भी नहीं है, इसलिए मुआलजाती तौर पर तमाम तर अलामात की बुनियादों पर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। गारिकस दिमाग पर मदहोश कुन असरात डालता है और इससे अल्कोहल की निस्बत ज़्यादा दौराने सर और हजियानी कैफियत पाई जाती है, जिसके बाद शदीद गफलत तारी हो जाती है और आसाब बेकाबू हो जाते हैं। अगारिकस एक ऐसी दवा है जिसकी सबसे नुमायां अलामात जिस्म का कांपना, उजलात की कमजोरी और नफसियाती तनाव से आसाब और उजलात लरजते हैं, हाथ कांपते हैं, असाब में झटके लगते हैं और सारे जिस्म में कपकपी महसूस होती है। झटके लगना, फड़कन, लर्जा, खुजली इसकी मखसूस अलामत है। टीबी का इब्तदाई दर्जा खून की कमी, जिस्म की फड़कन जो हालत ख्वाब में ख़त्म हो जाए, असाबी दर्दों की मुख्तलिफ कैफियात, नेज जिल्द के असाबी अवारिस की तस्वीर कशी इस दवा में होती है। इज्तमाए खून की निस्बत ये दवा रीढ़ की हिजानी कैफियत के साथ ज़्यादा मुवासलत रखती है। बुखार में होने वाला सरसाम यानी दिमागी कमजोरी और शराब के बद असरात के लिए ये दवा दी जाती है। अमूमी नोयत का फालिज एहसास जैसे बर्फ की बनी हुई सुइयों से छीटा जा रहा हो, सर्द हवा और दबाया जाना नाकाबले बर्दाश्त हो, अलामात तिरछे अंदाज से जाहिर हो जैसे दायां बाजू और बाईं टांग, दर्दों के साथ साथ ठंडक महसूस हो, जहर मरीज गाए जाए और बोले जाए लेकिन दूसरों की बात का जवाब न दे, बातोनी काम काज से नफरत, बेनियाज, न डर, हजियानी कैफियत, मरीज गाने गाए, चिल्लाए और बुड़बुड़ाए, अशआर गुनगुनाए, पेशन गोइयां करे। इन अलामात से पहले इब्तदाई तौर पर जमाइयां आए। इस दवा की आजमाइश के दौरान रीढ़ में हजियानी कैफियत पैदा होने के मुंदरजा ज़ैल दर्जात है। खफीफ तहरीक जिसका इजहार मरीज के हशाश बशाश होने, जुरतमंदी की कैफियत है, मजीद नुमाया मदहोशी, शदीद किस्म का जहनी हजियान, बेरबत गुफ्तगु, बेहद मुसर्रत की कैफियत, अशिया के असल साइज का अदराक न कर पाए, छोटी छोटी चीज़ों को फलांगने की कोशिश करे, छोटा सा सुराख भी मरीज को बहुत बड़ा नजर आए, एक चम्मच पानी को यूं महसूस करे जैसे एक वसी झील है। तीसरे दर्जे में मरीज गजबनाक हो जाता है, हिजियानी कैफियत ज्यादा शदीद हो जाती है, मरीज चीखे मारता है और चिल्ला चिल्ला कर बोलता है। चौथे दर्जे में मरीज जहनी तौर पर अफसरदा और यस मुर्दा हो जाता है, जिस्मानी तौर पर नकाहत तारी हो जाती है, काम काज से लापरवाह हो जाता है, सर धूप के सबब दर्द, सर कल्ले पर चक्कर आए, सर लगातार हरकत करता रहे और मरीज पीछे की जानिब गिर जाता है, सर के पिछली जानिब दर्द जैसे कोई कील गाड़ी हुई हो, लिखने पढ़ने का तवील काम करने के बाद धीमा धीमा दर्द सर, बर्फ की सी ठंडक, आंखें, पढ़ना दुश्वार हो, अल्फाज हरकत करते हुए महसूस हो और तैरते हुए लगे, ख्याली पेकर नजरों के सामने लहराते हुए महसूस हो, एक के बजाय चीजें दो दो नजर आए, किसी तवील काम का दबाव पड़ने से नजर कमजोर हो जाए और आंखें दर्द करें, करीब की अशिया बखूबी देख सके, कानों में जलन और खुजली जैसे जल हो गए हो, कान से मुतलका पत्थे फड़फड़ाएं, कानों में आवाजें महसूस हो, नाक में असबी नोयत का दर्द, अंदरूनी और बैरूनी तौर पर खुजली,
खांसी के तशनजी किस्म के दौरे, चेहरा, चेहरे के पट्टे सख्त महसूस हो, जिनमें भड़कन हो, चेहरे पर खुजली हो और जलन, तेज फाड़ने जैसा दर्द, असभी दर्द जैसे ठंडी सुइयां आसाब में रवा है या आसाब किसी नुकेली बर्फ से सुन हो रहे हैं। मुंह, होंठों पर जलन, होंठों पर दाने निकले, होंठ फड़के, मुंह का जायका मीठा, हर वक्त प्यास लगी रहे। हलक, कान और हलक के दरमियान वाली नाली से लेकर कान तक चुभन जैसा दर्द, हलक में सुकड़ाव महसूस हो, अलगम के छोटे छोटे लोथड़े खारिज हो। मैदा, खाली ढकाराएं जिनका जायका सेबों का सा हो, असबी तकालीफ जिसके साथ तशनजी खिंचाव महसूस हो, हिचकी, गैर कुदरती भूख, री से पेट और मैदा भरा हुआ महसूस हो, री का बगैर भूख के बखतरत इखराज, खाना खाने के 3 घंटे के बाद मैदे में जलन, पेशाब, पेशाब की नाली में चुभन, पेशाब करने की अचानक और शदीद ख्वाहिश, पेशाब बार बार आए, जनाना अलामत, हैद वक्त से पहले और मिकदार में ज्यादा आए, कमर और अज़ाए तनासिल में खुजली वाले, चीरने फाड़ने वाले दर्द, नीचे की तरफ दबाव डालने वाले शदीद दर्द, खासकर संन्यास के बाद निदामे तनफ्फुस, खांसी के निहायत शदीद हमले जिनको कुव्वत इरादी से दबाया ना जा सके, खाने पर ज्यादती हो, खांसी के इख्तिताम पर सर में दर्द, रात को सोने के बाद तशनजी खांसी जिसके साथ बलगम की छोटी छोटी गोलियों का इखराज हो, खांसी जो छींक आकर खत्म हो जाए, कलब, दिल, हरकते कलब, बेकायदा, हंगामा केस जो तंबाकू के इस्तेमाल के बाद हो, नबज, बेकायदा, एक एक जरब छोड़कर चले, दिल के ऊपर दबाव जैसे थीने को दबाया गया हो, कमर, दर्द कमर, रीढ़ को छुआ जाना नाकाबले बर्दाश्त हो, कमर के उस हिस्से में अलामत ज्यादा शदीद हो जो पेट के मुकाबिल होता है, कमर का दर्द जो खुली हवा में ज्यादा हो, बाजू और टांगे, कूलों के ऊपर दर्द, जोड़ों का दर्द जिसमें हरकत से कमी हो, कमर के इंतहाई निचले हिस्से में कमजोरी, चाल डाल काबू में ना हो, टांग पर टांग रखने से टांगे सुन हो जाए, जिल्द, जिल्द पर जलन, खुजली, सुर्खी, सोजन जैसे सर्दी का मारा हुआ हो, फुंसियां सख्त जैसे कीड़ों ने काटा हो, छोटे छोटे दानों वाले उभार जिनमें नाकाबले बर्दाश्त खुजली हो, जलन हो, दवाइयां फटी हुई, वरम, आसाब से मुस्तलका इस्तस्का, नाक पर सुर्ख कील, नींद, जुमाइयों के दौरे पड़े, शदीद किस्म की खुजली और जलन के बायस बेचैनी, हालत ख्वाब में चौंक पड़े, भड़कन हो और बार बार आंख खुल जाए, ख्वाब साफ और वादे आए, दिन के दौरान गनूंदगी रहे, जुमाइयां आए जिसके बाद गैर इख्तियारी तौर पर हंसी आ जाए, कमी पेशी, ज्यादती, खुली सर्द हवा में खाने के बाद, सर्द मौसम में कड़क और गर्ज चमक के तूफान से पहले, कमर के निचले हिस्से वाली हड्डी पर दबाव डालने से जो गैर इख्तियारी हंसी लाने का मौजब हो, कमी, आहिस्ता तौर पर हरकत करने से। नाज़रीन, ये थी एगारिकस की चंद अलामत। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरे क्लिनिक का विजिट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 0333-268-778, नुमान होम्योपैथी क्लिनिक, लजपत रोड, हैदराबाद। और आखिर में आप दोस्तों से इल्तमास है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया।